Hey, what's up people? मेरा नाम है परम और आप देख रहे हैं पार्टी पिला गिटार लेसन। आज का लेसन होने वाला है मेरे आज की संग बाय जुबिन नौटियाल। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। इसमें मैं आपको कैपो लेसन देने वाला हूँ, इसका इंट्रो और रिदम और कॉर्ड्स बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कैसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपने क्या करना है, फोर्थ फ्रेट पे कैपो लगाना है। फोर्थ फ्रेट पे कैपो लगाने के बाद आपकी कॉर्ड्स हो जाएंगी ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर एंड लास्ट ए माइनर। चार कॉर्ड यूज हुई है इसमें। अब मैं आपको इसका स्ट्रमिंग पैटर्न बता देता हूँ। स्ट्रमिंग पैटर्न के बाद आपको इंट्रो पार्ट बता दूंगा। स्ट्रमिंग पैटर्न है इसमें डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक। जो आपने डाउन मारना है वो बेस पे मारना है। डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन। ओके, जो है बेस पे मारना है आपने जो डाउन है। फिर से बता देता हूँ आपको और स्लो में, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी रिदम और कॉर्ड्स लिख दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर से बता देता हूँ आपको, डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक। बेस पे मारने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा इफेक्ट आता है बेस पे प्ले करने पे। फिर से देख लीजिए आप, डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन। होप सो आपको रिदम समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका इंट्रो पार्ट बता देता हूँ। इंट्रो पार्ट कुछ यूं है, पहले आपको प्ले करके बता देता हूँ, देन उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे प्ले हो रखा है। आपने क्या करना है, बेस पार्ट बजाना है 6 एंड 5 स्ट्रिंग। ओके, 6 एंड 5 स्ट्रिंग पे प्ले करने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट फ्रेट पे आना है। फर्स्ट फ्रेट इसलिए बोल रहा हूं कि कैपो लगाने के बाद फर्स्ट फ्रेट यहां से हो जाएगा। ओके, फर्स्ट फ्रेट कैपो लगाने के बाद फोर्थ फ्रेट पे कैपो लगाने के बाद आपकी आप आएंगे सेकंड स्ट्रिंग पे। सेकंड स्ट्रिंग पे क्या करना है, आपने पुल ऑफ करना है, हैमर ऑन पुल ऑफ। ओके, हैमर ऑन पुल ऑफ, इसको थोड़ा खींच के छोड़ना है। फिर आपने क्या करना है, थर्ड स्ट्रिंग पे आना है। थर्ड स्ट्रिंग पे आपने पहले ओपन प्ले करना है, देन उसके बाद सेकंड फ्रेट पे। ओके, ओपन देन प्ले। फिर एक और बार देख लेते हैं, ई माइनर पकड़ेंगे, फिर पुल ऑफ करेंगे, फिर ओपन, फिर थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे। ओके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में भी आपने क्या करना है, ऐसे ही स्टार्ट करना है, यहां तक पहुंच गए। फिर इस पे भी आपने, यहां तक पहुंचने के बाद आपने क्या करना है, इसमें भी पुल ऑफ करना है। फिर आपने हैमर ऑन पुल ऑफ। ओके, फिर आना है आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फ्रेट पे आना है, फोर्थ स्ट्रिंग पे। फिर से देख लीजिए, सेकंड पार्ट बता रहा हूं। फिर दोबारा से, ओके, जैसे आपने फर्स्ट पे करा था, सेकंड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट पे करा था। फिर अगेन दोबारा आप यहां पे करेंगे सेकंड फ्रेट पे, फोर्थ पे आए, देन आपने फिर फोर्थ स्ट्रिंग पे ही प्ले करना है ओपन, तब सेकंड फ्रेट पे आके आपने फोर्थ स्ट्रिंग प्ले करनी है। ओके, एक बार फिर से देख ले। ओके, इंट्रो भी बहुत इजी है।
अब मैं सॉन्ग के साथ प्ले करूंगा, कॉर्ड्स ऊपर आते रहेंगे, आप कॉर्ड्स ऊपर से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Yeah.